हे गाइस, तो सीज़न 3 के एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है यार। और आज अपने लोग इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यार बिना लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगते हुए शुरू करते हैं। और हाँ यार, मैंने लाइव चैनल बंद कर दिया करना अब, तो केवल वीडियोज़ आएंगे दिन में 3-4, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भीख मांग ले रहा हूँ। चलो मैं तो यार यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कर होती है, अपने लोग एक सिटी को देखते हैं, जिस सिटी में मतलब रात के टाइम को एकदम मस्त चल रहा होता सीन, दिल्ली यार अपना एक तरीके से मान लो। मगर यहाँ पर तुरंत एक कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, और यहाँ पर आइज़ैक आता है मॉन्स्टर के साथ, मगर वो यहाँ पर किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं जाता है। और वहाँ पे आके सीधे एक दुकान वाले के पास चले जाता है, जो पुराने जमाने का सामान रखता है, यानी कि जादू वगैरह का। यहाँ पे जो दुकान वाला बंदा होता है वो अंधा होता है, मगर उसके बाद भी उसको मतलब खुशबू वगैरह आ जाती है, और बोलता है कि तुम एक फोर्ज मास्टर हो, और बहुत किस्मत वाला हूँ जब एक फोर्ज मास्टर मेरे पास आया है। और हेक्टर वो आइज़ैक की थोड़ी तारीफ वगैरह करता है, और आइज़ैक उससे कुछ सामान वगैरह मांगता है। वो उससे मांगता है कि उसको मिरर चाहिए एक जगह से दूसरे तक पहुँचने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए जादू वाला। मगर वो बोलता है कि उसने एक साल पहले ही वो किसी और को भेज दिया था, उसके पास वो मिरर नहीं है। पर वो दुकानदार हेक्टर को एक छोटा सा मिरर देता है, और उस मिरर के जरिए हेक्टर को बताता है कि वो कहीं भी कुछ भी देख सकता है, मगर वो ट्रैवल नहीं कर सकता, मगर उसको कहीं भी कुछ भी देख सकता है। तो यहाँ पर हेक्टर जो उस मिरर की हेल्प ले के वो सीधे देखता है कि कहाँ पे मतलब सॉरी आइज़ैक जी ये बंदा आइज़ैक है, आइज़ैक डायरेक्ट देखता है कि हेक्टर कहाँ पे, और वो देखता है कि हेक्टर मतलब एक किले में जो नंगा पड़ा होता है मतलब ठंड में, और यहाँ पर खुश होता है। वो कहता है गद्दार मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसके बाद वो देखता है कि किला कहाँ पे, तो उसको वो किले की जगह मालूम पड़ जाती है। और इसके बाद वो देख लेता है कि एक किला किसका है, तो यार यहाँ पे उसको वो किला भी मालूम पड़ जाता है कि कैमिलिया का किला है। तो इसके बाद यार वो उससे बोलता है कि वो वहाँ से जा रहा है, मगर वो जो दुकान वाला होता है वो फ्री में उस मिरर को आइज़ैक को दे देता है। और इस पर आइज़ैक मतलब खुश हो जाता है, मतलब आइज़ैक उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा इज्जत मानता है। और वो आइज़ैक कहता है कि तुम्हारी मतलब इस काइंडनेस को मैं मतलब ऑनर करता हूँ, और मैं तुम्हें इसके लिए जिन नहीं मारूंगा, यानी कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और वो बूढ़े आदमी को वहाँ पे थैंक बोल के निकल लेता है। मगर जैसे ही जब वो बाहर निकलता है, तो उसके जो मॉन्स्टर्स होते हैं मतलब वो भी एकदम शांत खड़े होते हैं, मगर यहाँ पे जो कुछ बंदे होते हैं वो आइज़ैक से बकचोदी करना स्टार्ट कर देते हैं। और यार वो बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ तुरंत, इससे पहले हम तुम्हारे और तुम्हारे मॉन्स्टर्स को लपेट दें। और यार ये नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं, मगर आइज़ैक को बदतमीज़ से बात करने पर आइज़ैक बोल देता है कि इन सभी जो बदतमीज़ सोल्जर्स हैं इनको मारे खा जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं देखने को मिलता है कि आइज़ैक अपनी बात का पक्का है, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाता, केवल उन सोल्जर्स को मरवा देता है, और किसी भी नॉर्मल बंदे को वहाँ कोई भी चोट नहीं पहुँच पाता है। इसके बाद आइज़ैक जाता है यार नाव के पास, और नाव के पास एक मतलब जो कैप्टन है वो बैठा होता है, और आइज़ैक उससे बोलता है क्या वो उसको कहीं एक जगह का नाम बताता है वो वहाँ छोड़ देगा। मगर इस पर यार उस वो कैप्टन बोलता है कि उसको एक वादा करना होगा कि उसके मॉन्स्टर्स उसको नहीं खाएंगे, और यार बदले में उसको कुछ पैसा भी देगा वो। तो यार इस पे वो आइज़ैक राजी हो जाता है, और आइज़ैक बोलता है कि तुम मुझसे वादा क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो बोलता है कि मैं एक फोर्ज मास्टर को जानता हूँ, एक फोर्ज मास्टर कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सीन, यहाँ पर चारों बहनें होती हैं चंडाल चौकड़ी, वो यहाँ पर बैठ के आपस में डिस्कस कर रही होती है, और यहाँ पर कैमिलियन को प्लान बताती है पूरे कंट्री पर टेक ओवर करने का, जहाँ पर उन बहनों में आपस में थोड़ा बहुत उनका डिस्कशन होता है कि उनके पास अब मेजर फोर्सेज नहीं है, पर यहाँ पर वो लोग डील करते हैं कि जो उन्होंने हेक्टर को बंदी बना रखा है, हेक्टर जो है वो उनके लिए आर्मी बनाएगा, और वो लोग हेक्टर को काबू में रखने के लिए, उसकी आर्मी को काबू में रखने के लिए कुछ प्लान विलन बनाते हैं, मगर वो प्लान हमें नहीं बताया जाता है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बेलमोंड और साइफर लेटे हुए हैं, अब इन्होंने कुछ किया है वो तुम साफ साफ देख सकते हो, इतने बच्चे तुम नहीं हो। और यहाँ पे मैं अलग सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना बेलमोंड है वो खाना वगैरह खरीदने के लिए बाहर निकल जाता है मतलब उस सिटी में, और वहाँ पे एक और बंदा मिलता है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया है। और ये बंदा बोलता है कि मैं बेलमोंड की फैमिली को जानता हूँ, उनमें से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती वगैरह थी, वो बेलमोंड से बातचीत करने की कोशिश करता है, मगर बेलमोंड उसको साइड में किनारा कर देता, कहता है कि बाद में फक ऑफ बिच, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और ये बोल के निकल लेता है। इधर कुछ चर्च के लोग आ जाते हैं जो उस बंदे से बात करते हैं, वो बेलमोंड के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो चर्च के बंदों को कुछ नहीं बताता है, और बातों को घुमा फिरा के चर्च के बंदों के पास से निकल आता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं एलुकार्ड जो है अपनी ज़िंदगी मतलब मस्त जी रहा है, और यहाँ पर फिशिंग वगैरह कर रहा होता है, मगर एलुकार्ड को लगता है कोई यहाँ पर उस पर नज़र रखे रख रहा है। और यहाँ पर यार बाकी में कुछ लोग होते हैं जो उस पर नज़र रखे होते हैं, और वो एलुकार्ड तुरंत ही उन बंदों को मतलब ढेर कर मारता नहीं, मगर थोड़े पकड़ के देखता है, वो इंसान होते हैं दो, और एक लड़का और एक लड़की जिनका नाम हमें अभी तक नहीं बताया है। मगर वो दोनों एलुकार्ड के पास आते हैं, और उसे बोलते हैं कि वो लोग वैम्पायर्स को मारने का तरीका सीखना चाहते हैं, एलुकार्ड को वो जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, और एलुकार्ड उनकी मदद करे उसके लिए प्लीज़ वगैरह बोलते हैं। और वो बताते हैं कि जापान में एक बहुत बड़ा वो वैम्पायर था, उसके टेरर से उसके लोग डरते थे, और वो वैम्पायर हमें पता है ऑलरेडी मारा जा चुका है, अभी अभी जो लड़ाई हुई थी उसमें। और यहाँ पे एलुकार्ड उनको बोलता है कि वो उनकी मदद तो करेगा, मगर अगर उसकी ट्रेनिंग अगर हार्ड हुई तो बाद में वो उनको जाने नहीं देगा, जान से मार देगा। और इस पर वो लोग तैयार हो जाते हैं, और एलुकार्ड भी मजाक ही कर रहा होता है, क्योंकि भाई वो किसी को नहीं मारेगा, बस वो उनको ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर एंड में वो लोग अपनी बात से पीछे नहीं हटते, और एलुकार्ड उनको ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है।